हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे वन पॉइंट एक्सरसाइज 1.3 के थ्योरी का, जिसमें परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है और औसान दशमलव प्रसार है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार और औसान दशमलव औसांत आवर्ती प्रसार, इन दो चीज़ों पर बातें होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या के दशमलव विस्तार पर, किस तरह परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार कैसा होता है। तो देखिए, देखते हैं बाबू, परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। एक है शांत दशमलव प्रसार और एक है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत दशमलव प्रसार अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शांत दशमलव प्रसार और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अशांत दशमलव प्रसार। आज हम समझेंगे शांत दशमलव प्रसार क्या है और अशांत दशमलव प्रसार क्या है। दोनों ही परिमेय संख्या का भाग है बाबू। देखिए, एक नंबर एग्जांपल दिखा रहे हैं, 2.305 एक एग्जांपल है। आप 2.305 का यहाँ पॉइंट जब हटाएंगे आप नीचे 1 आएगा, जितना डिजिट है उतना डिजिट ये हो जाएगा 2305/1000। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे वो 1000 का क्या होगा, 2 का क्यू इंटू 5 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर 2 का क्यू इंटू 5 का स्क्वायर। तो याद रखिए बच्चों, जिस भी फ्रैक्शन, जिस भी भिन्न के हर में ये 2 into 5 का फैक्टराइजेशन आएगा, 2 × 5 का फैक्टराइजेशन आएगा, या फिर 2 का या फिर 5 का, मतलब ऐसा फैक्टराइजेशन जहां सिर्फ 2 × 2 × 2 × 2 हो तो भी क्या होगा, शांत दशमलव होगा। और ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें 5 × 5 × 5 × 5 हो या सिर्फ 5 भी हो तो भी पूरा वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और अगर 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 जो भी कुछ हो, 2 × 5 तो वो शांत प्रसार होगा। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि इस, यह मान लीजिए एक भिन्न निकला, इस भिन्न के हर में अगर सिर्फ दो का ही दो गुना दो रहे तो भी वो शांत डेसिमल होगा, या फिर सिर्फ 5 × 5 रहे तो भी वो शांत दशमलव प्रसार होगा, और अगर 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 रहे तो भी वो शांत दशमलव प्रसार होगा, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यही दिखाना, यही समझाना था हमको कि शांत दशमलव प्रसार बिना भाग दिए, बिना कुछ किए आप कैसे बता सकते हैं कि गिवन फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में होगा। तो इस चीज को हम आराम से देख लेते हैं। जैसे देखिए आप, यहाँ पर एग्जांपल में क्या निकला, 2 का क्यू 5 का क्यू, मतलब 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, मतलब अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनफल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। अगला देखिए एग्जांपल 0.125 में क्या हो गया, 125/1000 हो गया। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2q × 5 का क्यू होगा, यहाँ पर 5q और 5q कट गया, 125 को 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं बाबू, यहाँ 5q और यहाँ 5q कट गया, क्या बचा 1/2q, 1/2q। मैंने कहा कि 1/2 अगर सिर्फ 2 रहे या 2 का कोई भी पावर रहे, कोई भी घात रहे, या 1/5 रहे या 5 का कोई भी घात रहे, वो सारी संख्याएं क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार की होगी। यहाँ भी आप देखिए 11 है ना, 1162.04, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 स्क्वायर, यहाँ मतलब 4 से ये भी कट गया और ये भी 4 से कट के आ गया, यहाँ बटे में कितना आया, 5 स्क्वायर आया। अब जो यहाँ पर 5 स्क्वायर आया बाबू आया, तो हमने क्या कहा, यहाँ पर 5 स्क्वायर रहे 2 स्क्वायर रहे, अगर 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर या फिर 5 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर रहे तो भी ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में होगा। तो ये हम सिर्फ ये बता रहे थे कि कौन किसी भिन्न को देख करके उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल करके हम कैसे बता सकते हैं कि गिवन फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा वो शांत दशमलव प्रसार में होगा या अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार को बाबू अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब देखिए ये हो गया शांत की बात, अब आते हैं अशांत आवर्ती दशमलव में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा बाबू। एग्जांपल देखिए 4/3 है, 4/3 में 4 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, ये प्रक्रिया 1.3333 बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये पूरा पूरा कहीं भी कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या हो गया, अशांत हो गया। और अशांत के साथ आवर्ती लगा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग लगा हुआ है, रिपीटिंग आवर्ती का अर्थ है कि एक ही संख्या जब बार बार रिपीट करती है उसको हम आवर्ती कहते हैं, हिंदी में आवर्ती कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हुआ अशांत, टर्मिनेटिंग मतलब शांत, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। तो रिपीटिंग मतलब आवर्ती, तो ये बार बार आ रहा है इसलिए आवर्ती हो गया, रिपीटिंग मोड हो गया। तो इसको 4/3 का
क्या हो गया 1.33, क्या हो गया, यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। यह शांत होता कब, जब इसके बटे में जैसे मान लो 4/3 था, यहाँ 4/2 होता तो भी यह शांत होता, 4/5 होता तो भी यह शांत होता, 4/5 होता तो भी शांत होता, या फिर 4/2 × 5 होता तो भी यह शांत होता, या 4/2 का स्क्वायर × 5 का क्यूब या कुछ भी ऐसा है 2 और 5 के फॉर्म में किसी में रहता तो ये क्या होता, ये सारा शांत होता। लेकिन यहाँ पर आप क्या क्या देख रहे हैं, 3 में 2 और 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया। अब देखिए आगे बाबू दूसरा एग्जांपल देखते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का। अशांत आवर्ती दशमलव दूसरा एग्जांपल है 17/3, आप इसको कटाते हैं, देखिए यहाँ 17 को 3 से डिवाइड किया 5.666 आ रहा है, तो 5.6 ये आते रहेगा, ये क्या हो गया आवर्ती रूप में मतलब बराबर आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, एक तो अशांत हो गया और आवर्ती हो गया, दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, तो यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। कौन कौन एग्जाम्पल 17/3 और एग्जाम्पल 4/3, ये दोनों क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगला देखिए बाबू एग्जाम्पल 1, 2 और 3, यह सब क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 1 की 2 की और 3 की, ये तीनों जो 1, 2 और 3 है ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार है। साथ ही 2 पॉइंट दिया गया है बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिए, जब भी आप परिमेय संख्या पढ़ते हैं तो इसको आप ध्यान में रखिए। देखिए क्या पॉइंट क्या कर रहा है, कोई परिमेय संख्या या तो शांत हो सकता है या फिर अशांत आवर्ती, कोई परिमेय संख्या है वो या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि आप देखते हैं परिमेय संख्या 2 प्रकार का होता है, और जब 2 प्रकार का है तो एक तो शांत दशमलव प्रसार हो ही गया, दूसरा अशांत, तो दोनों में से कोई फॉर्म में परिमेय संख्या हो सकती है, तो कोई परिमेय संख्या या तो शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती। दूसरा पॉइंट है, कोई संख्या अपरिमेय होती है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, कोई संख्या अपरिमेय होती है यदि और केवल यदि इसका दशमलव विस्तार न तो अशांत आवर्ती हो और न ही शांत। मतलब क्या हुआ बाबू, अगर कोई हम एक एग्जांपल बताए थे, कोई भी संख्या अपरिमेय होती है अगर वह परिमेय नहीं है, अगर वह परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि रेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांटे थे, किसमें एक था रेशनल नंबर और एक था इरेशनल नंबर, तो जितनी भी दुनिया में नंबर है वो तो या रियल नंबर है वो तो या तो रेशनल होगी या फिर इरेशनल होगी। तो यहाँ पर जब कोई संख्या अपरिमेय होती है यदि और केवल यदि इसका दशमलव विस्तार न तो अशांत आवर्ती में हो और न ही शांत में हो, जब शांत में भी नहीं हुआ और अशांत में भी नहीं हुआ, इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी, अर्थात क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये अपरिमेय संख्या का औचूक डिफिनेशन है जो आपको नॉर्मली समझ में आ सकता है, कोई संख्या अपरिमेय होती है यदि और केवल यदि इसका दशमलव विस्तार न तो अशांत आवर्ती में हो और न ही शांत आवर्ती में हो, क्योंकि शांत आवर्ती में होगा तो भी परिमेय होगा, अशांत आवर्ती में होगा तो भी परिमेय होगा, शांत आवर्ती में होगा तो भी परिमेय होगा, लेकिन जो ना अशांत में होगा और जो ना शांत में होगा वो परिमेय कैटेगरी से बाहर हो जाएगा बाबू, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, अर्थात इरेशनल नंबर हो जाएगा। धन्यवाद, आज का क्लास इतना ही बस।